हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे नवजात शिशुओं के बारे में। नवजात शिशु बहुत ही नाजुक होते हैं और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है वैसे ही उनको कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए उनको बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। नवजात शिशुओं का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो बहुत ही वीक होता है, जिस वजह से उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। चलिए, तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो मैंने भी अपने बच्चों के लिए यूज़ करी थी, जिससे हम उनको इस सर्दी में सुरक्षित रख सकें। सबसे पहले, जब भी आप अपने बच्चे को छुएं तो हैंड वॉश कर लें। तो हैंड वॉश करने से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से उनको बचाया जा सकता है। सेकेंड, आपको एक लिस्ट मिली होगी बच्चों के टीकों की, उस लिस्ट को आप याद कर लें और टाइम टाइम से अपने बच्चों को टीका लगवाते रहें। इन टीकों की वजह से भी उनको कई बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। थर्ड है, आप अपने बच्चे की मालिश जरूर करें। मालिश करने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सही रहता है, इसलिए आप 2 टाइम्स तो जरूर मालिश करें, और ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी करें, बहुत अच्छा होगा। मालिश के लिए आप नारियल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल। सरसों के तेल में आप चाहें तो लहसुन और अजवाइन को पका के फिर उस तेल को छान लीजिए, ठंडा करके छान लीजिए, फिर उससे मालिश कर सकते हैं। आप बादाम के तेल से मालिश कर सकते हैं, घी से मालिश कर सकते हैं, लेकिन मालिश आप जरूर करें। अपने बच्चे को आप जहाँ भी लेटाएं वहाँ पे एक हीटर जरूर लगाएं, और नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा गर्म भी ना हो, नॉर्मल रहे टेम्परेचर, और वेंटिलेशन भी प्रॉपर आती रहे, इसका ध्यान रखें। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो हीटर को थोड़ी देर पहले बंद कर दीजिए, जिससे ऐसा बच्चे को सर्दी गर्मी ना हो। जैसे आप, बच्चा भी गर्म में है और अगर बाहर जाना है तो बाहर तो ठंडा है, तो ऐसा भी ना हो कि बच्चे अंदर गर्म से एकदम ठंडे में जाए, इससे उनको सर्दी गर्मी हो सकती है। इसलिए जब भी आपको अगर बाहर जाना है बच्चे को लेके, तो हीटर को 10-15 मिनट पहले बंद कर दीजिए, जिससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर आप बच्चे को बाहर लेके जाइए, इससे बच्चे को सर्दी गर्मी नहीं होगी। आप बच्चे को प्रॉपर नहलाइए, मतलब नहलाने का मतलब है कि वीक में 2-3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बच्चा थोड़ा और बड़ा है, 1 साल से बड़ा है, तो आप उसको हल्के गुनगुने पानी से डेली नहला सकते हैं, लेकिन बच्चा अभी छोटा है तो आप उसको प्रॉपर स्पंज कर सकते हैं, गरम हल्का गुनगुना पानी लेके उसमें पानी में टॉलिया डिप करके उससे उसको स्पंज करके और बढ़िया सा मॉइस्चराइजर लगा दीजिए। मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए, क्योंकि जाड़े में जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है। मॉइस्चराइजर लगाने से आपके बच्चे की स्किन ड्राई नहीं होगी। बच्चे को आप, धूप अगर आपके आती हो तो सुबह धूप जरूर दिखाइए थोड़ी, लेकिन बच्चे को डायरेक्ट धूप मत दिखाइएगा, ऐसे दिखाइएगा कि बच्चे को डायरेक्ट धूप ना लगे। आप अपने बच्चे को कपड़े जो पहनाएं वो लेयर्स में पहनाएं, एक साथ ये ना करें कि एक ही फुल हैवी जैकेट पहना दी या हैवी स्वेटर पहना दिया, ऐसे नहीं पहनाएं, उनको लेयर्स में पहनाएं। जैसे पहले अपने इनर पहना दिया, टी शर्ट पहना दिया, फिर स्वेटर पहना दिया, ऐसे लेयर्स में बच्चे को पहना है। बच्चे का सर जरूर ढक के रखें, क्योंकि ज़्यादातर जो हवा जो है कानों से जाती है उसकी वजह से ठंड लगती है। और आप ध्यान रखिए कि बच्चा अगर 6 मंथ से छोटा है तो उसको ब्रेड फीड जरूर कराएं, इससे उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो इम्प्रूव होगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बच्चों को सर्दी से बचा के रख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी छोटी छोटी जानकारी लेके हम फिर से आएंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।